बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुनव्वर हुसैन, आई होप यू आर फाइन। आज इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं अभी जो है किसी काम के सिलसिले में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेलकम करता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। सुबह का टाइम है और 7:55 हो चुके हैं। जो है अभी जाना है कि सिटी यानी कि शहर जाना है मेरे नज़दीक, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर। तो मैं रहता हूँ देहात में। दूसरी बात यह है कि मैं अभी जाना है, खत करवाना है, सलून वालों के पास जाना है और बाल वगैरह बनवाना है। ईद जो है वो आ चुकी है, दिन रहते हैं 2 या कल का दिन होगा। मुझे लग रहा है जो मेरी राय है वो रोज़े होंगे 30 और ईद होगी मंगल वाले दिन, क्योंकि हम पाकिस्तान में बिलोंग करते हैं और सऊदी अरब में भी लगता है आज शाम को पता चल जाएगा कि वहाँ 30 रोज़े होंगे या फिर वो 29 होंगे। जाना है राशिद के पास, राशिद से पूछना है कि चलें कि या देर है। उससे मैं कह कर आया हूँ कि मैं थोड़ी देर तक मैं आ रहा हूँ तो फिर हम चलते हैं शहर। तो पहले सबसे पहले हम काम करेंगे, यहाँ करवाएँगे खत वही करवाएँगे और ईद से पहले काम करवाएँगे ताकि ईद वाले दिन रश ना हो, क्योंकि ईद से पहले 2 दिन या 3 दिन पहले हमाम वाले के पास काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो मैंने हमाम वाले को कॉल किया कि हमें जो है टाइम दें वहाँ पहले, क्योंकि अपार्टमेंट लेनी पड़ती है। उसने कहा कि ठीक है, आप 8 या 9 बजे के दरमियान आ जाएँ तो आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ चलते हैं और 10 के पास भी जाना है, कपड़े उठाने हैं, कपड़े भी उठाएँगे और आपको दिखाएँगे इंडस्ट्री मॉल। अभी चलते हैं राशिद के पास। तो और हाँ मेरी दुकान है, क्या करना पिए हैं? ठीक है, शाबाश लगा भी है। सुना ईद की तैयारी? कपड़े कपड़े आए थे। देख ना मेरे देख कपड़े, कपड़े आ गए ना। हाँ। बोले तैयारी है, ईद कितने पढ़ते हैं? ईद मजे नाले। कितने क्या लगता है इस बार कितने रोते हो? 3 होते हैं। तो ईद करना थी मंगल को। चल मंगल को, चलो ठीक है, तू मेहनत कर। तो अभी जो है रिजवान काम पे लगा हुआ, तो मैंने देखा कि रिजवान काम कर रहा है। इससे पूछा मैंने, कहा कि कहीं जाना तो नहीं है कोई ईद के लिए, क्योंकि मैं शहर जा रहा हूँ। वो कहता है कि मैंने तैयारी कर ली है, यानी कि तैयारी कसी हुई है, मंगल वाले दिन फिर ईद मनाएंगे। और ये रिजवान कह रहे हैं कि 30 रोज़े होंगे इस बार। तो फिर चलते हैं राशिद के पास, फिर राशिद से पूछते हैं कि वो क्या कहता है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया राशिद, और राशिद का अबू वो देखें काम कर रहा है। हाँ भाई राशिद, कितना रोज़ा है आज? आज 28। 28? हाँ जी। तो कितने लगते हैं, कितने होंगे इस बार? 30 पूरा होंगे। तो आवाज़ तेरी बहुत कम है, क्या है? गले में दर्द है ना थोड़ा। गले में दर्द है तो थोड़ी आवाज़ निकाल, वैसे चीख गले में दर्द है। तो 28 रोज़ा हो गए हैं। हाँ भाई क्या लग रहा है आज, रोज़ा कितने होंगे आज? 3 रोज़े पक्के ना? मारिन ते तजी आ कारा ने आ कहे के 3 रोज़ा होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा इस वास्ते मैं मौसम याद है ना आखिरी तक के इस वाले रोज़ा पाकिस्तान है जना, काफ़ी साल बाद 3 रोज़ा थी है ना। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। अच्छा भैंस दिलवा रहे हैं, ये देख माहौल, पानी सटे ना दे, पानी सटे ना नहीं मैं दे, ये देखें ये वाला माहौल देहाती माहौल। खैर मांझ को धोए ना भी, खैर है मांझ खुद धांधी पे। तो आप देख सकते हैं कि भैंस जो है वो खुद नहा रही है और ये ऊपर पानी भी फेंक रहे हैं ताकि इंजॉय करो। ओह सारे कपड़े ख़राब करने वाले। हाँ मेरा से जल्दी तैयारी कर, चल नहाना तो ठीक है, नहीं तो चलें फिर बात भी करवानी है। ठीक है टाइम यार, टाइम हो चुका है, 8 बज चुकी है, अब वहाँ भी जाना है। 10 मिनट लगाना है, पैसे भी ले ले कर दें। कपड़े भी उठाने थे? कपड़े मेरे अब सारे कपड़े ख़राब थे। तो चलो ठीक है फिर, कितने देर तक मैं आ जाऊँ? 20 मिनट के बाद फिर मैं आ जाऊँ। चलो ठीक है, मैं फिर आपके 10 मिनट लग जाए फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। राशिद तक कह दिया है कि आप तैयारी करें, ठीक है, तो हम अभी मिलते हैं 20 मिनट के बाद। और ये कौन है मोटी? हाँ गुलशन, कहाँ आज रोता नहीं है आपको? नहीं, नहीं, कल तुझे रोता था, कल तुझे रोता था जिया। तो ईद कब है? ईद मंगल होएगी। मंगल होएगी, मंगल वाले दिन होगी ईद। और गुलशन देखिए खेल रही है यहाँ, आज रोता नहीं है? आज इसने रोज़ा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? अच्छा आपके भाई ने, आज आपने क्या करना है, काम करना है? और ये देखिए इतने प्यारे मौसम में खेल रही है, हैं? तो गुलशन आज पढ़ने नहीं गई आपने? अच्छा अच्छा, ऊपर से ना साथ जो है ट्रैक्टर चल रही है तो शोर शराब आ रहा है, क्योंकि लाइट है नहीं तो पानी तो आपको लग रहा है कि फसलों को
देहात में तो होता है, इसलिए शोर शराबे के लिए माजरत। तो यहाँ तो इस मोटी की तो वीडियो बनानी है ना, कैसे? हाँ जी। ठीक है। तो हाँ गुलशन, आपने ईद के लिए क्या लिया है? सूट लिया है। अच्छा। जूता लिया है। और पर्स लिया है। पर्स भी लिया है। तो वॉलेट भी ले लिया है, और ईद के लिए काफी ज्यादा तैयारी हो चुकी है। तो फिर ठीक है, ईद के लिए आप तैयार हो फिर इस बार? हाँ जी। अच्छा, इस पहला साल है जो इसने पहला रोजा रखा है कल जुम्मे वाले दिन। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसने ना 24 घंटे का रोज़ा रखा है। वो कैसे, रात को सो गई थी खा पी कर, तो फिर सुबह को कहती है मैं रोज़ा रख रही हूँ, ऐसे है कि नहीं? ऐसे ना। अच्छा, इसने 24 घंटे का रोज़ा रखा है, ठीक है। शाम दोपहर को तो फिर मर रही थी, कहता है पानी दो पानी दो पानी दो। अब कैसे फिर गुजर गया? उल्टी भी आई थी? नहीं, उल्टी नहीं आई थी। तो कैसा रहा रोज़ा? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो इसने शाम के बाद तो फिर तो ये खुश होने वाली थी, तो हमने बहुत तसल्ली दी, फिर इसका पहला रोजा जो है कंप्लीट करवाया। A few moments later. जो देखे राशिद मेरे पीछे बैठा हुआ है, अभी जा रहे हैं हम उधर क्या ना हवाम के पास, तो वहाँ जाकर यानी कि खत करवानी है। खत करवाने के बाद ही आपको मिलेंगे वहीं। तो अभी देखें मेरा हुलिया भी वैसे तैयार है, तो वहीं जाकर मिलते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है, ओके। सपोर्टर थी नहीं, मैं तो याद है ना, हूं ठीक है हुकूमत। चसा चवा रहे है, एक घंटा लैंड आए, एक घंटा गई। क्यों? हाँ मेनू लगता तू मौलवी की जगह नवा तू पर छे बजे हाँ जी, अब आ चुके हैं घर। तो देखें खत वगैरह करवा ली है, और ये रहा फरूक हंस रहा है, कहते हैं कि हर रोज मुझे वीडियो। तीनों का हमने ब्लैक सूट पहना हुआ है, और हमने मैंने ड्रेस भी उठा लिया है, और शाम भी आ चुकी है, तो सारा दिन आज गुजर गया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। हमने जो दिन गुजारा है बहुत अच्छा लगा है। और कैसे राजू, ठीक नहीं रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, आज 28 का भी रोज़ा मुकम्मल हो गया। देखे जवान को दिखाएं इधर, ये देखें कटिंग करवा कर आया, कमाल नहीं है? अब देख खूबसूरत ही नहीं है कटिंग। तो अफ्तारी में से सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रहते हैं, तो अफ्तारी करते हैं, और हमें दीजिए इजाज़त कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।